तो आज बच्चों हम लोग क्लास 6 का जो 9 का सी चैप्टर था उसका अगला वीडियो हम लेके आए हैं, जिसमें पिछले वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो देख लेंगे। वो 1 से 4 तक बनाया गया है, आज हम लोग 5 से बनाएंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन देखेंगे। व्हेन राजू मल्टीप्लाइड ए सर्टेन नंबर बाय 17 एंड एड 4 टू द प्रोडक्ट ही गेट्स 225, फाइंड द नंबर। तो बच्चों सबसे पहले हम सोल्व में मानेंगे कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। हम रिक्वायर्ड नंबर कितना मानते हैं? एक्स मानते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई सर्टेन नंबर में 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, सर्टेन नंबर में 17 से मल्टीप्लाई करते हैं और 4 जोड़ते हैं तो क्या होता है? 225 के बराबर होता है, 225 के बराबर होता है। तो यहां पे कोई सर्टेन नंबर में 17 से मल्टीप्लाई किए और 4 जोड़े तो 225 हो गया, ठीक है। तो बताइए कि यहां पे हम 17x प्लस 4 बराबर 225, सही है, ठीक है। अब क्या करना है कि हम जानते हैं कि क्या करना है कि एक अंक वाला को एक तरफ, अंक वाला को क्या कर देंगे? एक तरफ कर देंगे। तो यहां 17x बराबर 225 माइनस 4, 225 माइनस 4। अब बताइए तो यहां से 17x बराबर 4 घट गया तो 221 आ गया, 221। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 221 बाय 17, 221 बाय 17। तो ये कट जाएगा 17 तो एक बार में तो हो जाएगा 17 5, तो 5 इक्यावन 17 तो मतलब x का वैल्यू 13। इसलिए रिक्वायर्ड नंबर बराबर नंबर कितना हो गया? 13 आंसर, ठीक है। इसमें कह रहा है कि राजू जो है कोई सर्टेन नंबर में 17 से मल्टीप्लाई करके और 4 जोड़ रहा है तो कितना प्राप्त हो जा रहा है? 225 प्राप्त हो रहा है। तो उस नंबर ज्ञात करें, तो बस मैंने क्या किया कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर, कोई संख्या x मान लिया। अब अकॉर्डिंग से कहता है कि 17 तक कोई सर्टेन नंबर में 17 से गुणा किया और उसमें 8 जोड़ दिया, उसमें क्या जोड़ दिया जी? 8 जोड़ दिया तो 225 हो गया, 225। तो 17x प्लस 4 बराबर 225, तो 17x बराबर 225 माइनस, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस 4। तो 17x बराबर 221, तो x का वैल्यू 221 बटा 17, तो 17 से कट गया 13, तो आंसर बराबर 13 हो गया, ठीक है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग 6ठा क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि इफ ए नंबर इज ट्रिपल्ड एंड रिजल्ट्स इज इंक्रीज्ड बाय फाइव वी गेट 50, फाइंड द नंबर। कहने का मतलब कि कोई संख्या को 3 जोड़कर उसके रिजल्ट में 5 जोड़ दिया जाता है तो वह 50 हो जाता है। तो क्या हो जाता है जी? 50 हो जाता है। तो क्या करते हैं कि लेट ए सर्टेन नंबर बी एक्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें कोई सर्टेन नंबर एक्स माने, अब नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर को तो 3x ट्रिपल हो जाता है और इस मल्टीपल करने के बाद उसमें कहता है इंक्रीज 5 और उसमें 5 बढ़ा दिया जाता है तो 50 प्राप्त होता है। बढ़ा दिया जाता है तो कितना होता है? 50 प्राप्त होता है। तो अब क्या करना है? तो यहां से
3x बराबर 50 माइनस 5। अब क्या करें तो 3x बराबर 45, 3x बराबर 45, तो x बराबर 45 बाय 3, तो 3 से यहां कट जाएगा तो 15, तो x का वैल्यू 15 आंसर। ठीक है, तो हम लोग सातवां क्वेश्चन नंबर चलेंगे। हम लोग देखिए, तो हम लोग एक सातवां क्वेश्चन चलेंगे। इसमें कह रहा है फाइंड टू नंबर्स सच दैट वन ऑफ देम एक्सीड ऑफ अदर बाय 18 एंड देयर सम 92। मतलब दो नंबर है, एक नंबर से दूसरा 18 ज्यादा है और दोनों का सम 92 है। तो देखिए कैसे होगा, क्या करना है हमको। सबसे पहले कैसे बनाएंगे तो देख लीजिए क्वेश्चन को। हम लोग देखिए, लेट सोल्व में लिखेंगे, लेट द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू एक्स और अदर नंबर या क्या लिखे, बिग स्मॉल है और क्या आ जाएगा, अदर नंबर क्या आ जाएगा, अदर नंबर बी कितना से बड़ा है जी, एक नंबर जो है दूसरे से 18 बड़ा है, तो x प्लस 18। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को जोड़ना पे तो x प्लस 18 बराबर 92 कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। तो x आ x, 2x प्लस 18 बराबर 92। तो क्या करेंगे, यहां पर 2x बराबर 92 माइनस 18 18, तो 2x इक्वल टू 12 में से 8 गया 4 और ये हो गया 8 में से 1 गया 7, 8 में से 1 गया 7, इसलिए x बराबर 74 बाई 2। तो यहां पे ये 37, x का वैल्यू आ गया आपका 37। मतलब स्मॉल नंबर कितना आ जाएगा जी, स्मॉल नंबर 37, तो बिग नंबर जो अदर नंबर है वो 37 अब प्लस 18, तो 8 7 15 5 6 3 4 5, ये आ गया आंसर 37 और 55। ठीक है, तो देख ले, बहुत इजी सवाल है, सब है, एक बार ना दो बार देखें। और यदि वीडियो अच्छे लग रहे हो तो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे अपने बेल बटन को, और शेयर भी करें कि दूसरे लोग को भी जानकारी मिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, एक नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 चलेंगे। ठीक है, तो वन आउट ऑफ द टू नंबर्स इज थ्राइस द अदर नंबर इफ देयर सम इज 124, फाइंड द नंबर। कहने का मतलब है कि एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है और दोनों का सम 124 है, तो संख्या बताएं। तो चलेंगे, लिखेंगे, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स और सेकेंड नंबर बी कितना, 3x, थ्राइस ना है, यहां पे क्या करा है, थ्राइस 3 गुना। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है यहां पे कि दोनों का सम, यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम, तो x प्लस 3x बराबर 124, तो x और 3x 4x, 3x कितना हो जाएगा जी,
4x, ठीक है। अब 4x हो गया, तब 4x वाला 124, तो x बराबर 124 बाई 4। अब ये कट गया 3 1, x का वैल्यू आ गया आपका 31। तो फर्स्ट नंबर बराबर 31 और सेकेंड नंबर बराबर 3 × 31 बराबर 393। यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही वीडियो, और अगले क्वेश्चन के लिए वीडियो अगले कल मिलेगी, और डेली आप लोग को एक वीडियो लोड होगी हर एक चैप्टर का। अभी तो धीरे धीरे शुरुआत है, और हम चाहेंगे कि आप लोग मुझे हौसला बढ़ाएं कि ऐसे ऐसे वीडियो हम आप लोग को बताते रहें, इसलिए आप लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लें कि मुझे बनाने में आप हमें खुशी मिले, ठीक है। इसके लिए धन्यवाद। बाय बाय बाय।